हेलो फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट यानी कि अनबॉक्सिंग, यानी कि बहुत सारी फिश वैरायटीज। जी हाँ, स्टार्ट हम हमेशा करते हैं टाइम दिखाने से। तो रात के 11:20 हो रहे हैं, आप लोग जहाँ चैन की मीठी मीठी नींद सो रहे हैं, वहाँ पर हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने सोचा आपको भी थोड़ा परेशान किया जाए। वेल, इस वक्त थोड़ा सा गैलरी की जो मतलब हालत है उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि बहुत होजपोज हो गया था एंड बहुत सारा स्टॉक आया है। तो वेल, आपको पता है कि टैंक्स हम लोग रेडी रखते हैं, तो एज यूजुअल टैंक्स रेडी है। यहाँ पे देखिए, पूरा ये सेक्शन हमारा खाली है, एम्प्टी है। एंड प्लांटेड की वैराइटीज़ बोलिए आप, आज अग्रेसिव वैराइटीज़ कहिए, बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ आई हैं। सबसे 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 अगर अच्छी इसमें कोई वैराइटी आई है तो वो है वैराइटी इन किंग ऑफ द फिश। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि फ़िश के किंग में कौन सी फ़िश आती है, इस कैटेगरी में किसको कहा जाता है किंग ऑफ फ़िश, तो वेल थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, दिखाएंगे आपको। तो एज़ यूजुअल पानी हमने भर के रखा था, तो बहुत सारे ज़्यादा मतलब ये पैकेट ऑलरेडी फ्लोट जो हो रहे हैं, इसके अलावा ये भी पैकेट फ्लोट होने अभी बाकी है, सोचिए। तो ऑब्वियसली पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो होने की पूरी पूरी संभावना थी, तो हमने थोड़ा सा पानी कम कर दिया है फिश टैंक का एंड पैकेट्स अभी फ्लोट कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एल सीरीज प्लेको, काफ़ी सारे लोग सक्कर समझते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ सक्कर फिश, दिस इज़ अ प्लेको फिश। डिफरेंस क्या है मैं बताऊँगी, और सक्कर नहीं रखना चाहिए क्यों, इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारी रील है, प्लीज़ आप जाके रेफर कर सकते हैं। तो वेल, मैं आपको बता रही थी कि जिस तरह से हम अपने जो पैकेट्स हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, फिर फ्लोट करते हैं, एक्लिमेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर वही सारी प्रोसेस हमारी चल रही है। कोई भी सीज़न हो, बट डेफिनेटली हम ये चीज़ करते ही हैं। एंड यहाँ पर देखिए, मेरी नज़र गई है, ये देखिए, ये बदमाश है ना, इसको केबिन में ही आकर बैठना होता है हमेशा। इसको फर्स्ट फ्लोर पर जब भी रखते हैं ना, तो ये परेशान कर देती है। ऑस्कर्स हैं। अभी देखिए, पानी धुंधला सा है तो इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, बट इतना ब्यूटीफुल इसका पैटर्न और कलर है। तो आपको ये वीडियो तो पूरा देखना ही है, लेकिन इसके बाद मैं एक फ़िश रूम टूर का भी डेफिनेटली वीडियो डालूंगी। तब तक कैसे ना फिश सेटल हो जाते हैं, कस्टम हो जाते हैं, तो देखने में और मज़ा आता है। और अब तो बहुत अच्छी बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी आपको कैसे की जाए फिश के ऊपर, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिलहाल लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। टेट्राज यहाँ पे देखिए, प्लांटेड एक्वेरियम्स है, तो सारे प्लांटेड एक्वेरियम्स भी हमारे एम्प्टी थे। काफ़ी सारा स्टॉक, यू नो, मैक्सिमम स्टॉक सोल्ड आउट हो गया था, एंड ये कंसाइनमेंट आने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके वजह से आपको ज़्यादातर टैंक जो है वो एम्प्टी दिखेंगे। पैकेट्स आप देख रहे हैं, हर जगह फिश के पैकेट्स फ्लोट हो रहे हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ आई हैं प्लांटेड के लिए, अग्रेसिव के लिए, एक्सक्लूसिव फिश में भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ आई है। अभी हमने एल सीरीज प्लेको देखा है। तो इस टैंक में जहाँ पे हमारा पफर था, उसके साथ हमने फ्लोट कर दिए हैं यहाँ पे पैरेट्स। पफर्स और पैरेट्स साथ जाते हैं, बहुत अच्छे से आप उनको रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे दिखा दो आपको, फ्लावर हॉर्न्स हैं। वेल, अभी तो जस्ट ये वीडियो में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या फ़िश की वैराइटीज़ आई हुई हैं, कैसे हम उसको एक्लिमेट करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब हमारा जो डेली या एवरी टाइम जब भी स्टॉक आता है तो हम कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें। बट एक्चुअल स्टॉक क्या आया है, उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। तो जी, ये सेक्शन में तो सब कुछ ठीक है, सारे पैकेट्स फ्लोट हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे इनको, अभी छोड़ देंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं बैक सेक्शन में, यस, इस सेक्शन में भी पैकेट्स अच्छी तरह से फ्लोट हो रहे हैं। इनको भी हम थोड़े देर के लिए रेस्ट करने देंगे एंड हम चलते हैं आगे। बट उसके पहले मेरी नज़र फिर एक बार पड़ी है इस बदमाश पे, और ये देखिए, आराम से यहाँ सो गई है ये, और इसको ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए होता है पास। तो चलिए, सोई है आराम से, इसको सोने देते हैं और हम लगते हैं अपने काम पे। चलिए देखते हैं, देव भाई के हाथ में एक पैकेट ऑलरेडी है, वो अपना अलग ही उसमें बिजी है। हाँ, चलिए टाइम दिखा दो आपको, तब तक देखिए 12:10 कम है। तो देखिए, अब ये एम्प्टी पैकेट्स देख के थोड़ा सा जान में जान आ रही है कि ओके, फिश एडिशन शुरू हो चुका है, और स्टार्ट ही मैंने किया है हमारे किंग ऑफ फिश से, यानी कि डिस्कस से।
डिस्कस इस बार है ना ऑब्वियस, इतने ब्यूटीफुल और क्या साइज आया है देखिए। मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथ से पाम से आपको पता नहीं कैसे मैं इसको ये करके दिखाऊं आपको, इतना बड़ा मतलब मेरे पाम से भी बड़े साइज के डिस्कस आए हुए हैं। और देखिए देखते देखते आधा घंटा बीत भी गया, पता भी नहीं चला कैसे बीत गया, और यहाँ पे और पैकेट्स आ चुके हैं। देखिए जब हमने स्टार्ट किया था पूरा भरा हुआ था ये सेक्शन बैग से, राइट। अभी देखिए अभी पूरा सेक्शन एम्प्टी है, कुछ एम्प्टी पैकेट्स है, और ये थोड़ा सा ना अभी आप इसको थोड़ा मतलब माफ़ कर दीजिए हमको क्योंकि बहुत ही गंदा सब पड़ा हुआ है। लेकिन टैंक यार फिश जब आते हैं ना इतना ह्यूज क्वांटिटी में जब फिश आते हैं तो ये होता ही है। एंड चलिए देखते हैं दिनेश भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दिनेश भैया अभी अपना बिजी है, कोई फिश एक्लिमेट हो गया है उसको वो डाल रहे हैं, आई डोंट नो क्या है, तो मैं उनका थोड़ा सा वो हो जाता है तो वो देखते हैं। ये देखिए अपना सेल सेक्शन भी भरा हुआ है, सेल सेक्शन में भी कुछ पैकेट्स ऑलरेडी एम्प्टी आउट हो चुके हैं, कुछ पैकेट्स अभी एम्प्टी आउट हो रहे हैं। डिस्कस में ये थोड़ा छोटा साइज है, एक साइज हमने देखा जो ऑलमोस्ट मेरे पाम के जितना था, ये थोड़ा सा छोटा साइज है। तो वहाँ पीछे देखिए पैकेट्स दिख रहे हैं, वहाँ हम घुस नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते क्योंकि नीचे फ्लोर पे भी पैकेट्स हैं, बट यहाँ से ही मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे एक और पैकेट ओपन हो चुका है, चलिए देखते हैं कि कौन से फिश इसमें हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो पैरेट्स हैं, हाँ जी पैरेट्स हैं, पैरेट फिश है, येलो पैरेट, रेड पैरेट, ये हम पफर्स के साथ डाल रहे हैं। काफ़ी सारा इसके ऊपर हमारा थोड़ा डिस्कशन हुआ कि यूजुअली हम हमारे जो पैरेट्स हैं ना वो बैक सेक्शन में रखते हैं 4 फीट के टैंक्स में, लेकिन इस बार हमने सोचा चलिए पैरेट और पफर को जो है वो मिक्स किया जाए, तो पैरेट वहाँ पर सेटल हो गया। अब ये है हमारे सारे प्लांटेड एक्वेरियम्स, उसमें देख रहे हैं आप दो दो हर इसमें पैकेट्स हैं, उसमें जाएंगे टेट्रास, कार्डिनल्स, नियॉन्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल टेट्रास हैं। तो फिश के पास इस वीडियो के थ्रू मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था क्योंकि हाल ही में हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियोस को इसी तरह लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज जल्दी वापस आऊँगी इसका एक अनबॉक्सिंग के रूम टूर का वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।